अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप तमाम लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे और अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट होता है गाड़ी से। आमिर से हेलो। हेलो हेलो, ये मेरा बड़ा भाई लेकिन मुझसे छोटा, एक साल। और मौसम जो है वो बहुत ही औसम है। बस दुआ कीजिएगा कि जिस हवाले से हम लोग जा रहे हैं सब कुछ खैर ही हो। अम्मी को थोड़ा बहुत टेंशन है, लाजमी बात है, होता है, उनको तकलीफ़ भी बहुत है। और बहरहाल देखते हैं, वहाँ पर जाके आप लोगों को फिर बताते हैं कि डॉक्टर ने क्या बोला और आगे का क्या हमारा जो है वो बनता है। फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं वेटिंग में और अम्मी का नंबर अभी नहीं आया। उनको बहुत टेंशन है और पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे क्या नहीं। लेट्स सी क्या होता है। होप सो अच्छा ही सब कुछ हो। मैं उमर को छोड़ कर आई हूँ अपनी बहन और भाई के पास और बस वेटिंग में ही है। दिखा कर आपको बताती हूँ क्या कहा डॉक्टर ने। तब तक के लिए वेट कीजिए। मुझे भी अजीब सी फीलिंग हो रही है और अम्मी अभी गई हैं वॉशरूम में और आमिर गया है चाय पीने। अभी मैं नर्स से बात करके आई हूँ, उसने कहा है कि अभी भी आधा घंटा या पौना घंटा लग सकता है, जबकि 6:30 का नंबर था और हम लोग 6:30 पर ही पहुँच गए थे। कोई ख़ास इतने रश नहीं है, तकरीबन 7 बजने वाले हैं शाम के और खामोशी सी लगी पड़ी हॉस्पिटल में। काश मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू देती, लेकिन बस हॉस्पिटल से अल्लाह ही बचाए। बहरहाल दुआ कीजिएगा जो भी हो आफियत का मामला हो। आ गए हैं लेबोरेटरी में और ये आप देख सकते हैं और बैठा है यामिर अभी अपना टोकन लेकर अपनी बारी के इंतज़ार में। और डॉक्टर ने जो है ना वो कुछ डायग्नोस नहीं किया और फ़िलहाल जो है वो टेस्ट का कहा है और अभी ये मना आ रहा है। इसकी इतनी चीखें आ रही थी जब मैं इंटर हुई इस लैब में। अभी मेरे भाई का नंबर, अभी अम्मी की होंगी टेस्ट्स। और यहाँ पर भी काफ़ी ठंडा ठंडा माहौल है और थोड़ी बहुत खामोशी, लेकिन पीछे कोई बच्चे के रोने की आवाज़ बहुत आ रही है। तो मेरे नाज़रीन, ये वाला जो क्लिप है इसको मैंने ब्लर कर दिया है ताकि किसी को ये वीडियो जो है वो तकलीफ दे ना गुजरे। और ये अब हमारी वापसी, हम आ रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से और शुक्र है खैर हुआ। अब 2 दिन के बाद फिर से दिखाना है। तो फ्रेंड्स, एक थके हारे दिन को गुजारने के बाद फाइनली हम लोग आ गए हैं फ्लैट पे और ये फ्लैट है बहरिया टाउन की, मुझे नहीं पता कहाँ का है लेकिन बहरिया टाउन में ही है। और आप जो है वो सामने देख सकते हैं, यह है मेरे पप्पू का फ्लैट और ये मेरी बहन नमाज पढ़ रही है और ये इसकी मेरी भांजी, इसके भाई अबू बकर को आपने पहले भी हमारे व्लॉग में देख चुके हैं। एहतशाम से हेलो, से हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं और उमर जो हैं वो अब्दुल हादी, अज़लफ़ा और मनाहिल को बहुत मिस कर रहे हैं। मनाहिल, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो बेटा अज़लफ़ा का ख्याल रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि एसी चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा, मौसम बहुत ज़बरदस्त है और थकावट नहीं फील हो रही। बहरहाल ये मेरे पप्पू का फ्लैट है और अल्लाह उनको जो है वो ये अपनी मिल्कियत उनको निभा करे, आमीन। ये अभी हम लोग जो है वो सामान लेकर आए थे, थोड़ा बहुत सब्ज़ी का, अभी 1-2 दिन यहीं पर रहेंगे। और ये मेरी बहन हाजरा, अम्मी के लिए इसने खिचड़ी बनाई, हमारे लिए चाय और ये दाल चावल जो भी अवेलेबल था अभी फ्लैट में, और इसने बना लिया डिनर हमारे लिए। अभी खाया नहीं है लेकिन शुक्र है बना हुआ है। ये अभी जो है ये आप देख सकते हैं, फ्लैट इतना बड़ा भी नहीं है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। और ये दूसरा वाला रूम, ये बंद है इसकी लाइट्स। से हेलो हेलो, ये मेरा भाई, थक गए हैं हम लोग और
ये सामने बहरिया टाउन में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, पहले कभी यहाँ पर आने का जो है वो नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, कभी आने का यहाँ पर चांस नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक ऐसे आने से भी बचाए, अल्लाह पाक अम्मी को जो है वो अच्छी सेहत दे, और क्या कह सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं इसी वीडियो के साथ अपना आज का व्लॉग ख़त्म करूंगी, और देखेंगे अभी एक दो दिन यहीं पर हैं तो क्या आपके लिए मैं आगे कोई वीडियोस ला सकती हूं या नहीं। ज़ोया से हेलो, से हेलो, हेलो। फ्रेंड्स, ये उमर की कार, शुक्र है इस कार के सहारे मेरी बहन ने इसको बिठाया 4-5 घंटे, और हम लोग जो है वो हॉस्पिटल से होके आए। इसी कार के साथ जो है वो मैं आज का व्लॉग ख़त्म करने जा रही हूँ। होप सो आपसे जो है जल्द ही मुलाकात हो, और बहुत ही जल्द मिलते हैं। ये पता नहीं किसके कपड़े पड़े हैं। उमर बंद करो। बहरहाल, जाते जाते आप लोगों से एक मरतबा फिर से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा। सिंपल सिटी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ये मेरी कहावत है, इंशाल्लाह जो है वो गनीमत होगी और ये मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। बहरहाल, अगर आप लोग मुझे ऐसे ही फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर जो है ना वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन, से टाटा, अल्लाह हाफिज़। ज़ोया से टाटा।